सनराइजर्स हैदराबाद की टीम तीन मैच लगातार हार के बाद आखिरकार जीत की पटरी पर आ गई और अब उम्मीद करते हैं इनके फैंस कि लगातार ऐसे ही मुकाबले जीतते जाएंगे जो बचे हुए 6 मुकाबले, क्योंकि अभी तक इस सीजन खराब प्रदर्शन के हैदराबाद की टीम ने शुरुआती कुछ बड़े मुकाबले हारते नजर आए, लेकिन अगर 6 मुकाबले में अच्छा दमखम दिखाया तो पूरा मौका होगा इनके पास प्लेऑफ में पहुंचने का। लेकिन इस बार प्लेऑफ की लड़ाई बहुत कड़ी चल रही है जिसमें चेन्नई, मुंबई, गुजरात, लखनऊ, राजस्थान जैसी बड़ी बड़ी टीमें ऊपर नजर आ रही है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि हैदराबाद की टीम की तरफ से अभिषेक शर्मा ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी करी। जी आप सभी को बताएं, 6,50,00,000 की कीमत पर इस खिलाड़ी को 2023 के ऑक्शन में रिटेन किया था। कहीं ना कहीं हैदराबाद की टीम ने बड़ा दाव लगाया था। 2022 में भी 6,50,00,000 कीमत थी, लेकिन 2022 का जो सीजन था इनके लिए वो सबसे बेहतरीन सीजन था, क्योंकि 14 मैच में 426 रन इस खिलाड़ी ने उस दौरान बनाए थे, 250 भी इनके बल्ले से आते नजर आए थे। इस सीजन अगर बात करें तो 6 मैचों में 139 रन, 67 हाईएस्ट स्कोर, 23 की एवरेज से 156 के स्ट्राइक रेट से इस खिलाड़ी ने अभी तक रन बनाए हैं। और इस मुकाबले में सबसे खास बात यह रही कि अभी तक अभिषेक शर्मा को नंबर 4, नंबर 5, नंबर 3 पर भेजा जा रहा था, लेकिन ओपनिंग कराई गई जिसके लिए जाने जाते हैं, जिसके लिए कैन विलियमसन भी इनको उतारते थे, तो अच्छी बल्लेबाजी करी इस खिलाड़ी ने। 36 गेंद में 67 रन की 12 चौके, एक छक्का, 186 का स्ट्राइक रेट था। अक्षर पटेल ने जब इनका विकेट लिया तब टीम का स्कोर इस खिलाड़ी ने 12वें ओवर की तीसरी गेंद तक 109 रन पहुंचा दिया था। बीच में देखा जाए तो बड़े बड़े बल्लेबाजों का विकेट गिरा, जिसमें मयंक अग्रवाल 5 रन बनाकर गए, एडन माकरम 8 रन बनाकर गए, हैरी ब्रुक तो बिना खाता खोले ही आउट हो गए, अब्दुल समद ने सिर्फ 28 रन बनाए, क्लासन ने लास्ट में अच्छी पारी खेली, क्लासिकल पारी, 27 गेंद में 53 रन की 4 छक्के 2 चौके इनकी इस पारी में थे, जिसके दम पर टीम का स्कोर 197 रन हुआ। लेकिन अभिषेक शर्मा की सुलझी हुई पारी की बदौलत एसआरएच नींव रखने में कामयाब रही थी। लेकिन इतने रन बनाने के बावजूद भी अभिषेक शर्मा प्लेयर ऑफ द मैच नहीं बने, प्लेयर ऑफ द मैच बने मिचेल मार्श, क्योंकि उन्होंने 4 विकेट भी चटकाई, साथ ही साथ उन्होंने 63 रन की पारी 39 गेंद में भी खेली, तो वहीं 35 गेंद में 59 रन की पारी फिलिप सॉल्ट ने खेली। भले ही सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 9 रन से मुकाबला जीती, लेकिन अभिषेक शर्मा की तारीफ खूब हो रही है क्योंकि युवा खिलाड़ी चमक रहा है, और देखते हैं बचे हुए मुकाबलों में किस तरीके से इसकी बल्लेबाजी देखने को मिलती है। देखा जाए तो 8 मुकाबले हैदराबाद के हुए, लेकिन इस सीजन सिर्फ खिलाड़ी को 6 मुकाबले खेलने को मिले, 2 मुकाबलों में खिलाड़ी बेंच पर नजर आया। शायद अब कहीं ना कहीं टीम पछता रही होगी कि अभिषेक शर्मा को बेंच पर क्यों उठाया, क्योंकि अगर देखा जाए जब इस खिलाड़ी को गेंदबाजी दी गई तो 3 ओवर कराते हुए 26 रन दिए और 1 विकेट भी चटकाया, और 1 विकेट जो था वो मनीष पांडे का था, बहुत सही समय पर मनीष पांडे का विकेट लिया, वरना मनीष पांडे जानते आप क्या ही कर सकते हैं। उम्मीद करते जानकारी पसंद आई होगी, बहुत बहुत धन्यवाद।